ये जो वर्कशॉप है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है कि हमारे देश के आर्थिक विकास में हमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई काम करना है, जो प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने मिशन दिया है आत्मनिर्भर भारत, उस भारत को अगर आत्मनिर्भर हमको सबको बनाना है तो हमें गांवों में रोजगार निर्माण करना होगा, गांव की गरीबी दूर करनी होगी, और गरीबी उसी समय दूर होगी जब रोजगार निर्माण होगा। और रोजगार कैसे निर्माण होगा इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर स्कीम के रूप में कोई देखा जाए तो स्फूर्ति ये जो योजना है, ये मुझे लगता है कि इस देश में ऐसी योजना है कि ये देश में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन ला सकती है। आपको सबको पता है कि हमारे टोटल जीडीपी ग्रोथ में हमारे एमएसएमई सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 30% है। अभी मार्च के बाद नए आंकड़े आएंगे, पर पुराने आंकड़ों के आधार पर 30% जीडीपी ग्रोथ में एमएसएमई सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। देश का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें 48% एमएसएमई सेक्टर से होता है, और अभी तक हमारे एमएसएमई ने इस देश में 130 करोड़ लोगों के इस देश में 11 करोड़ जॉब क्रिएट किए हैं। हमारे देश में ये जो हमारा रोजगार के लिए जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, यही हमारे मिनिस्ट्री का मिशन है। और इस देश में रोजगार को निर्माण करना और रोजगार निर्माण करने के साथ साथ देश के ग्रोथ के लिए, देश के विकास में कंट्रीब्यूट करना, ये आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है उसी के आधार पर ये योजना है। और ये योजना जो है ये गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण कैसे करेगी, वहाँ की आर्थिक स्थितियों को कैसे बदलेगी, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा, इसमें गतिशीलता कैसे आएगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। सरकार में ऑडिट होता है, फाइनेंशियल ऑडिट होता है कि सरकारी बजट का पैसा ठीक खर्चा हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बहुत